ও এমজি অশ্চিত গো, এমজি কেমন আছে? সিএমজি ওয়া ঠিক না ও ইমতিয়াজ ইনো সিমো মাইশেস পাওয়া ওঙা কুন্দন ছিলেন বা চিজ দিতে নিমি ওয়া ঠিক না চিজ এনে গরাই এও দে চিংাতি সার সার জিগ ডালে জি দং তাং মালা মাতা আসা মাতা আসা ইয়া হাগোয়ারা সিনার সে জিবে দা নিং চোর জেন জিসিমাস না ওয়ান টপিক দু সিমাস কি শে দা সা তো হাগো মিরু ফল জেন না দিং ও ইয়া गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? वॉइस ऑडिबल है सबको?
ठीक है फ्रॉम ठीक है स्वेता आई थिंक ओके ठीक है आई थिंक सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं ठीक है तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर होमवर्क सबने कर लिया कल जो भी होमवर्क दिया था सबने कंप्लीट किया ओके ठीक चलिए अब अपने डाउट्स प्लीज बताइए पहले आप लोगों के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं सॉरी इम्तियाज ठीक चलिए और आपके डाउट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं ठीक सो मैट्रिसेस फर्स्ट डाउट है हानू विच एक्सरसाइज हम 3.3 कर रहे थे ओके 3.3 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 3.3 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उससे पहले कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से पहले क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं किया क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं हानू हाँ मोहित 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कोई मेथड है आपको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इससे पहले कल एक बच्चे का डाउट था एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 सबका हो गया वो कौन है शाहीन 19 ठीक है पहले 3.2 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कल के डाउट्स भी रह गए थे कुछ स्टूडेंट्स के तो पहले 3.2 डिस्कस करते हैं 3.2 में क्वेश्चन नंबर 18 से पहले किसी का कोई डाउट है ओके क्वेश्चन नंबर 18 से पहले किसी का डाउट है नहीं चलिए पहले यही करते हैं First is question number 18. Size 3.2. ठीक 3.2 है आपके पास if a is equal to zero minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 zero ये आपको given है I is the identity matrix you have to show ठीक है books आपके पास होगी NCERT exercise 3.2 question number 18 आपको show करना है that I plus A is equal to I minus A cos alpha minus sin alpha sin alpha जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपनी वीडियो को ऑफ रखिए ये आपके पास आपको मैट्रिसेस गिवन है आपको शो करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल LHS देखते हैं टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या था आई प्लस ए सो व्हाट इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए में ऐड हो रहा है तो इट्स मीन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए अदरवाइज वो क्वेश्चन में भी कह रहे हैं दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2 सो दिस इज 1 0 0 1 प्लस ए ए क्या है आपके पास जीरो माइनस टैन अल्फा बाय टू टैन अल्फा बाय टू जीरो
ठीक है. अब क्या जाएगा, ये आई प्लस है, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए वन माइनस टैन अल्फा बाय टू, टैन अल्फा बाय टू एंड दिस इज वन. ठीक, ये आ गया आपके पास आई प्लस. नाउ टेक आर रिचेस, राइट हैंड साइड लेते हैं अब हम. तो राइट हैंड साइड क्या है, आई माइनस ए, आई माइनस ए इज आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक, सो आर एच एस आपका ये है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वन जीरो जीरो माइनस ए, ए क्या था आपका, ए था आपका जीरो माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू जीरो इंटू कॉस अल्फा. यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम हो रही है मेरे पास, माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज साइन अल्फा एंड कॉस. ठीक, इसको हम रख कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वन, ये आ जाएगा आपके पास टैन अल्फा बाय टू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस टैन अल्फा बाय टू, ये हो जाएगा आपके पास वन इंटू दिस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा. ठीक, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं. ओके, जोया वैसे आपके कुछ टॉपिक्स मिस हुए हैं तो वो आपको बैकअप में करवा देंगे. ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस में जो भी यूज आता रहेगा हम उसको बताते रहेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आपने पूछा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, एक सेकेंड, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज एलिमेंट्स, दीज आर वन, ये एलिमेंट्स वन होते हैं और सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. ठीक है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कल आपको बताया था कि जहां नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है और ये इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वन होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी वन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये तो ऑर्डर थ्री हो गया, ऑर्डर टू का क्या होगा, टू रोज टू कॉलम, तो ये वन हो जाएगा, रिमेनिंग ये जीरो हो जाएगा. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. तो जो ये क्लियर हुआ आपको,
Zoya, identity matrix के लिए हूँ. जो है क्लियर हुआ आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके ठीक. अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं मैट्रिसेस को, जिन बच्चों के कुछ टॉपिक्स मिस हुए हैं तो हो सकते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आए, तो वो आपको बैकअप हम दे देंगे. बट इस क्लास में आप कंटिन्यू रखें, उसके बाद हम आपको बैकअप देंगे. ठीक. Now, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. दिस फर्स्ट रो एंड दिस वन इज फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे हो गए, 1 into cos alpha is cos alpha plus tan alpha by 2 sin alpha then minus sin alpha plus tan alpha by 2 cos alpha. Then this row and this column, so it will be minus tan alpha by 2 cos alpha plus sin alpha plus tan alpha by 2 sin alpha plus cos alpha. ठीक, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट दिस. फॉर दिस को सॉल्व करते हैं. दिस इज cos alpha. ओके सर, एक ही डायगनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए. जी, डायगनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए. डायगनल एलिमेंट्स ये होते हैं, दीज आर द डायगनल एलिमेंट्स. ठीक है, सो ये डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, दीज शुड बी 1, और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होने चाहिए. ठीक है, इन दैट केस हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक, किसी को डाउट है तो बच्चे आप पूछते रहिए. नेक्स्ट है हमारे पास cos alpha plus tan alpha by 2. तो tan alpha by 2 को हम लिख सकते हैं sin alpha by 2 by cos alpha by 2. ठीक, उसके बाद है into sin alpha. तो प्लीज मुझे बताइए what is sin 2 theta. मिलजा, sin 2 theta क्या होगा, substitute. जी बिल्कुल ठीक है, हम ये put कर देंगे. मिलजा, sin 2 theta का formula क्या होगा. साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इफ्रा साइन टू थीटा. इफ्रा साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा. बिल्कुल ठीक. ठीक है, सो साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा. बिल्कुल ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, वी हैव दिस फॉर्मूला, साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा. नाउ दिस साइन अल्फा. अच्छा, अगर ये 2 थीटा था, यहाँ थीटा हो गया है. अगर ये 2 नहीं है, अगर ये 2 नहीं है यहाँ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो जाता है. तो ये साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2. तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. जी हाफ हो जाएगा. तो यहाँ इन प्लेस ऑफ दिस साइन अल्फा, क्या हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज 2 साइन alpha by 2 cos alpha by 2. ठीक, in place of this sign हमने लिख दिया sin alpha by 2 and cos alpha by 2. चलिए उसके बाद next करते हैं, इसको लिख देते हैं minus sin alpha plus tan को हम लिख देते हैं sin alpha by 2 and cos alpha by 2 cos alpha. नेक्स्ट फिर सेम यहां भी ऐसे ही करते हैं. ठीक है, इसको लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2 एंड दिस इज कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसको भी लिख देते हैं साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2. एंड यहाँ हम दोबारा फॉर्मूला पुट कर देते हैं, दिस साइन अल्फा, तो इसमें फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा.
ठीक है, हमने इतना कर दिया। बच्चे प्लीज नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट, ये सबने नोट कर लिया, इसको रब कर दें, ठीक है, इसको रब कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, किसी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। इसको भी रब कर दें। वे ऐसे हैं जो अभी ये स्टेप नोट कर रहे हैं, वे ऐसे हैं जो ये स्टेप नोट कर रहे हैं, इसको रब कर दें, इस स्टेप साइन अल्फा की वैल्यू क्यों गुड नहीं, अभी करते हैं इफ्रा, अभी साइन अल्फा की वैल्यू गुड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अभी क्लियर नहीं है कि बाद में हम क्या फॉर्मूला गुड करेंगे। एट दिस स्टेप हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आगे हमारे कौन से फॉर्मुले पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ इसने फॉर्मुला पुट कर दिया क्योंकि यहाँ हमें क्लियर था दैट दिस इज कॉस अल्फा बाय 2 और ये कॉस अल्फा बाय 2, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कहाँ गया, सॉरी ये, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, इसलिए यहाँ फॉर्मुले पुट कर दिए थे क्योंकि यहाँ क्लियर था ये कैंसिल हो जाएगा, और जगह कुछ है नहीं कैंसिल करने के लिए, इसलिए नहीं किया। एग्जाम में भी हमारी यही अप्रोच होती है कि हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता होता कुछ, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक। अच्छा ये नोट कर लिया सबने, इसको हम रब कर, किसी ने अगर नहीं किया तो प्लीज अभी भी बता दीजिए। अच्छा किसी को किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो जाए प्लीज बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सॉरी अब यहाँ क्या होगा कि ये जो है आपका, यहाँ ये cos alpha by 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिमिलरली ये cos alpha by 2 और ये cos alpha by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास टर्म क्या आ गई है, दिस इज cos alpha प्लस 2, देखिए ये है sin alpha by 2 into 2 sin alpha by 2, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन वी गेट 2 sin square 2 sin square alpha by 2, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, so we get 2 sin square alpha by 2. अब यहां देखते हैं, ये है minus sin alpha plus sin alpha by 2. अब इस स्टेप को हम देखते हैं कि minus sin alpha plus sin alpha by 2 by cos alpha by 2 into this cos alpha. यहां हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इन दिस स्टेप हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम जस्ट सेकंड, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, एलसीएम ले लेते हैं, हो सकता है उसमें हो जाए, ठीक, सो कॉस अल्फा बाय 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, ओके। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता मिक्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सो बेटर है कि एलसीएम ले लें, माइनस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2, आफ्टर दिस ये हो गया था, कैंसिल होने के बाद ये कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, now this we get 2 sin square alpha by 2, ठीक है, प्लस और यहाँ पे है प्लस cos alpha, ठीक है। अच्छा इसको भी रब कर देते हैं, फिर जिस बच्चे को जिस स्टेप में डाउट है बच्चे अभी पूछ लीजिए ना, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हम रब कर देते हैं, फिर बैक में जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, किसी किसी भी स्टेप में डाउट है प्लीज स्टेप। थर्ड स्टेप, ओके थर्ड स्टेप इज दिस, यहाँ इसमें डाउट है आपको कुंजम, इसमें डाउट है आपको इन दिस स्टेप, ओके देखिए ये कैसा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ cos alpha by 2 का एलसीएम ले लिया। लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप में यहाँ cos alpha by 2 था, यहाँ सिर्फ sin alpha था, तो हमने कंप्लीट में cos alpha by 2 का एलसीएम ले लिया,
जब ये एलसीएम आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है कुंजा, समझ में आया ये? ओके, ठीक है, अब देखिए ना कुलजान, आप बताइए कॉस अल्फा का फॉर्मूला, और इवन हम कहते हैं कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर क्या होता है? कुलजान, कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? बच्चे ट्रिगो के प्लीज फॉर्मूलेज टिप्स पे रखिए, 11th में जो आपने फॉर्मूलेज किए थे उसकी एक लिस्ट बनाइए और प्लीज रिमेम्बर दैट फॉर्मूलेज, क्योंकि यहाँ किसी भी चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला यूज हो जाता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अमीन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका भी ठीक है बच्चे। और इफ्रा क्या होगा फॉर्मूला कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर? सौदा, जोया, शाहीन, cos 2 theta in terms of Arshad, Imtiaz, Jigmeet, Saida बिल्कुल ठीक है, Nilza, Saida, नहीं cos 2 theta होता है हमारा 1 minus 2 sin square theta, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूले, कॉस टू थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं, याद रखिएगा, कॉस टू थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूलेज होते हैं, वन ऑफ द फॉर्मूला इज दिस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो प्लीज फॉर्मूलेज लर्न कीजिए आप सब। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज कॉस अल्फा, सॉरी, तो ये कॉस अल्फा था आपका, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, cos 2 थीटा था हमारा 1 minus 2 sin square थीटा, तो इसको हमने लिख दिया 1 minus 2 sin square alpha by 2, प्लस यहाँ क्या था 2 sin square alpha by 2। कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको इस स्टेप में डाउट है, ओके, नेक्स्ट यहाँ है हमारे पास, दिस इज cos alpha by 2। अब ये है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो क्या ये कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारा है, माइनस साइन, लेट दिस बी बी, दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी, शायद ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि ये क्या फॉर्म हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक है, फिर ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, देखिए कंपेयर कीजिए दिस विद दिस, शाहीन बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए दिस विद दिस, साइन ए माइनस बी, हाँ निलजा भी देख रहे हैं, ये कैसा आया, देखिए हमारे पास साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। अब यहां से इसको कंपेयर कीजिए, पहले नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब वो ये पार्ट, फिर पॉजिटिव है इसका मतलब वो ये पार्ट, ठीक है, कंपेयर कीजिए, माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस यहां है तो इसका मतलब ये जो है आपका ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो ये ए हो गया, ये ए हमारा, ये बी है, अगेन ये हमारा ए है, ये बी है, तो बच्चे क्या ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का है, क्या ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का होगा? कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको डाउट है, क्योंकि अब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं, अब हम इसको लिखने वाले हैं साइन अल्फा बाय टू माइनस अल्फा, ठीक है, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया साइन अल्फा बाय टू माइनस अल्फा। कोई स्टूडेंट है जिनको डाउट है इस स्टेप में, ठीक, जो डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखिए माइनस साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू, साइन अल्फा का मतलब ये ए है,
this is B, and this is A, and this one is B. Sine alpha cos alpha by 2 minus sine alpha by 2 into cos alpha. तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा sine alpha minus alpha by 2 by this is cos alpha by 2. ठीक है? सेम वही कि हमने sin a minus b कर दिया, this is a, this one is b, तो हमने इसको लिख दिया sin alpha minus alpha by 2. तो ये जो था आपका 2 sin square alpha by 2, this was 2 sin square alpha by 2 and cos alpha, so this is 1 minus 2 sin square, 1 minus 2 sin square alpha by 2, 1 minus 2 sin square alpha by 2. ठीक है? अब now this part क्या answer? ये वन आ गया sin alpha by 2 minus alpha, हम इसको सिर्फ subtract कर रहे हैं, तो alpha by 2 minus alpha क्या होगा? हम सिर्फ इसको subtract कर रहे हैं, ठीक है? So alpha by 2 minus alpha क्या हो जाएगा फिर? Sin क्या ये हो जाएगा minus alpha by 2? बिल्कुल ठीक है, minus alpha by 2. ठीक है? Now this is sin alpha by 2 minus alpha by 2. तो क्या ये हो जाएगा sin alpha by 2 by cos alpha by 2 and this is ये cancel और ये कितना आ गया? 1. ठीक? अब देखिए क्या हो गया? 1. अर्शद sin minus theta का formula क्या होता है? अर्शद, what is sin minus theta? और सभी please अपने answers बता दीजिए. बिल्कुल ठीक है. अर्शद क्या होगा sin minus theta का formula? इफ्रा बिल्कुल ठीक है. स्वेदा answer ठीक है आपका. ठीक. sin minus theta is what? Minus sine theta. Shaheen बिल्कुल ठीक है. Jigmeet ठीक है answer. तो ये हो जाएगा minus sine alpha by 2. बिल्कुल ठीक है हानू. By cos alpha by 2. And this is sine by cos. This is what? Tan. Arshad बिल्कुल ठीक है. And this is 1. ठीक. इसको रब कर देते हैं पुराना. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? This is what? This is 1. This is minus tan alpha by 2. This is what? Tan alpha by 2. And this is 1. हमें यही शो करना. देखिए प्लीज, LHS हमारा यही था, 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 and 1. ठीक, हमें यही शो करना. प्लीज नोट कीजिए इसको. स्टार्ट करते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हाफ एन आवर हो चुका है. चलिए से नोट कीजिए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट डाउट 3.2 में, और तो कोई डाउट नहीं है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में, और कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है, देन 3.3 शाहीन का डाउट है, 19 क्वेश्चन. ओके, चलिए देखिए एक और बच्चे का डाउट है 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, इसको रब कर रहे हैं फिर. 19th में डाउट है. अ ट्रस्ट फंड हैज, प्लीज रीड कीजिए, बुक सबके पास होगी, एनसीईआरटी साइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा, असाइनमेंट्स मिले सबको? पॉसिबल हो रहा है अपलोड करना? सॉरी, डाउनलोड करना पॉसिबल है? नहीं, चलिए अभी देखते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं अभी. अ ट्रस्ट फंड हैज टू बी 30,000 that must be invested in two different types of bond. There is a trust who have 30,000. ठीक है? उसको ये amount invest करना है in two types of bond. The first bond pay 5% interest. ठीक है? ये 30,000 है, इसको invest करना है two bonds में. This is bond one. And this is bond two. Class 12 board के assignment नहीं आ रहा. अच्छा हाँ, ठीक है, अभी अभी बताते हैं.
क्लास के बाद बॉन्ड टू 30,000 है, टू बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड वन एंड टू. तो बॉन्ड वन में इंटरेस्ट जो है दैट इज 5% एंड सेकेंड बॉन्ड पे इज इंटरेस्ट 7%. ये 7% दे रहे हैं. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual interest of 1,800, इन्हीं जो annual interest चाहिए, वो चाहिए 1,800. इफ़रा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लेंगे हम इसको. ये हमें चाहिए 1,800. 1800 के एनुअल इंटरेस्ट चाहिए. तो वो कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने क्लास 8 तो 7th में भी किया होगा. बस यहाँ मैट्रिक्स का यूज करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, मैट्रिक्स का यूज करना है. तो एनुअल इंटरेस्ट उसको चाहिए ₹800. अब वो कह रहे हैं कि कैसे आप इसको इन्वेस्ट करेंगे. देखिए शाहीन और सारे स्टूडेंट्स, देखिए वर्ड प्रॉब्लम हम स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या मैट्रिक्स फॉर्म करना है, हमें उन्हें ऐड करना है या मल्टी. हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक. तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम अपनी कैलकुलेशन लिख लेते हैं कि हमें फाइनली ये कैलकुलेशन चाहिए, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है. चलिए हम देखते हैं. सो 30,000 है, कुछ बॉन्ड वन में हमें इन्वेस्ट करना है, कुछ बॉन्ड टू में करना है. तो बॉन्ड वन में सपोज हम एक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपीज एक्स. तो यहाँ कितना इन्वेस्ट करेंगे हम, 30,000 माइनस एनुअल क्या रहे. तो टाइम पीरियड यहाँ भी हम 1 year के लिए करेंगे, और टाइम पीरियड यहाँ भी हमारा 1 year होगा. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100. P इज द प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T इज द टाइम पीरियड. ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है. तो फिर अब फर्स्ट केस में, फर्स्ट बॉन्ड में, बॉन्ड वन के लिए हम अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना आएगा, एक्स, ठीक है, एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड 1 बाय 100. ठीक, अगर हम बॉन्ड टू की बात करते हैं, बॉन्ड टू वो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बॉन्ड टू का कितना होगा, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 इंटू 1 बाय 100. टू बॉन्ड्स एंड टू बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट आ गया वो ये आ गया. अब हमें क्या करना है, हमें टोटल ये जो पार्ट होगा आपका, ये आप रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे कि फाइनली वी नीड दिस अमाउंट. अब टोटल जो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100. ठीक, इंटू 1 भी था यहाँ. तो फाइनली हमें चाहिए ये. अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं. हमें चाहिए कि मैं हाउ टू डिवाइड टू टाइम्स. ठीक है, टू हम मैट्रिसेस फॉर्म कर लेंगे. सो फर्स्ट में हमने यहाँ लिख दिया अमाउंट एक्स है हमारा, और यहाँ हमने लिख दिया 30,000 माइनस एक्स. हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, 5% है, और नेक्स्ट में 7%. ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल, या तो हम कहते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज अगेन 5%. तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्स मल्टीप्लाई होगा 5 से. सो 5 5% इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो गया 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%. ठीक है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगा. तो ये क्या हो जाएगी,
is what 5x by 100 plus 30,000 minus x into 7 by 100. ठीक, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट. दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट. ठीक, अब हम इसको इस मैट्रिक्स से रिमूव कर देंगे क्योंकि सिंगल टर्म. तो ये आ गया 5x by 100 plus 30,000 minus x by 100 into 7. ठीक, अब ये इक्वल कितना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना था हमारा 1800. टोटल इज 1800. तो हम इसको सॉल्व कर सकते. ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें मैट्रिसेस क्या फॉर्म करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है. तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में, आप ऐसे ही करेंगे, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होगी तो कहीं रफ में आप कैलकुलेशन लिख लेंगे कि हमें फाइनली कैलकुलेशन चाहिए क्या. सो हमने यहाँ रफ में फाइंड कर लिया था, ये सारा पार्ट आपका रफ में हो जाएगा, ये कंप्लीट आपका रफ में होगा कि हमें फाइनली जो कैलकुलेशन चाहिए वो ये चाहिए. सिर्फ क्वेश्चन देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप रफ में लिख दीजिए कि हमें ये कैलकुलेशन चाहिए. अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक, अब ये कैलकुलेशन आपकी कैसे होगी. हमने मैट्रिसेस ये फॉर्म किया. अब देखिए पॉसिबल केसेस क्या थे, ये तो हम मैट्रिसेस ऐसे फॉर्म कर लेते, ये x लेते, ये 30,000 माइनस x लेते और इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते. नेक्स्ट पॉसिबल ये भी केस हो सकता है कि हमें नहीं पता हमें कैसे फॉर्म करनी है, हम ऐसे भी ले सकते हैं. अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, टू रोज एंड वन कॉलम. इसका ऑर्डर क्या है, वन रो एंड टू कॉलम. अब देखिए मल्टीप्लाई हम करते, ये x into 5 होता है ना, फिर दिस इंटू दिस होता. तो जो हमें फाइनल कैलकुलेशन चाहिए थी वो नहीं मिल सकती. अगर हम मैट्रिसेस ये लेते तो हमें फाइनल कैलकुलेशन ये नहीं मिलती, इसलिए हमने इसको दिया था लाइक दिस. तो प्लीज वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट फाइंड द कंप्लीट कैलकुलेशन, उसको कहीं रफ में करिए, उसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिसेस फॉर्म कीजिए. तो अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये 8th क्लास का क्वेश्चन हो गया है ना. अब तो 8th क्लास का क्वेश्चन है कि आपके पास x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कर सकते हैं. ठीक है शाइन, अब ट्राई कीजिएगा, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिर्फ आपको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, वही सॉल्व हो जाएगा. चलिए हम करते हैं इसको. हमारे पास है टर्म 1800 इज इक्वल टू 100, हमने एलसीएम ले लिया, दिस इज 5x प्लस 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये आ गया आपके पास 21 माइनस 7x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1800 इनटू 100 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 21023. 2x इज इक्वल टू आ गया 210123. इसमें यहां से सबट्रैक्ट कर दीजिए, 18 ठीक, ये हमने सप्लाई कर दिया इसको, तो 2x आ गया आपके पास कितना, तो ये 30,000. x कितना आ जाएगा आपके पास, 15,000. so x आ गया आपके पास 15,000, ये 15,000 इतना x में कितना होगा, 30,000 माइनस 15,000. अब तो कर लेंगे आप सिंपली 8th क्लास का क्वेश्चन. ठीक है, सबको क्लियर हुआ. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले कैलकुलेशन भी रफ में लिखनी है, उसके बाद आपको मैट्रिसेस फॉर्म करनी है. ठीक, प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. चलिए और बताइए और क्या डाउट्स हैं, आज आप लोगों के पहले डाउट्स ही देख लेते हैं, स्टार्ट करें. बच्चे आप इस वीक थी सिलेबस हमारा स्लो ही रहे, हमने ज्यादा टॉपिक्स नहीं किए, नेक्स्ट वीक से हम आप स्पीड इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स हो गए, हम इंक्रीज करते हैं. ठीक है, इसको बच्चे जल्दी से कीजिए सॉल्व, रब कर दें इसको, नोट कर लिया सबने. ओके, ठीक है.
ठीक है नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट के क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बच्चे प्लीज खुद ट्राई कीजिएगा एक बार खुद ट्राई कीजिए और नहीं आता समझ में तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लीजिए ठीक है प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट किस टॉपिक में डाउट है क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई आपको वेरीफाई करने की ए बी inverse is equal to B inverse A inverse. आपको ये verify करना है ठीक है इसके बाद देखते हैं ठीक है निर्जा इसके बाद ये question करते हैं आपका A B transpose is equal to B transpose A transpose. ये आपको verify करना है where A is equal to 1 minus 4 and 3 where A is equal to आपको ये वेरीफाई कर ठीक है चलिए करते हैं और बी है आपके पास बी इज व्हाट बी इज -1 2 ठीक अब ए बी फाइंड करते हैं ए बी क्या हो गया ये 1 -4 3 और बी क्या हो गया आपके पास बी इज व्हाट -1 2 1 ठीक इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो -1 अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 एंड दिस इज 1 नेक्स्ट इज 4 -8 -4 -3 6 एंड 3 ठीक अब वो कह रहा है कि फाइंड द ए बी ट्रांसपोज तो कितना आ जाएगा इसके ट्रांसपोज ये हमने कल किया था दिस इज द फर्स्ट रो दिस बिकम द फर्स्ट कॉलम सो दिस इज -1 2 1 This 4, -8, -4, and this is -3, 6, and 3. ठीक तो ये आ गया ए बी ट्रांसपोज कुछ भी नहीं है इसमें अब नेक्स्ट आपको चाहिए था आपको शो करना है दिस इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज तो पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करें बी ट्रांसपोज क्या होगा दिस फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम सो -1 2 1 ए ट्रांसपोज क्या होगा फर्स्ट कॉलम है तो ये रो जाएगा 1 -4 3 ठीक ये हमारा मैट्रिक्स है इसको रब कर दें हमें शो क्या करना था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं is equal to क्या हो जाएगी -1 2 1 into A transpose क्या हो जाएगा 1 -4 3 so this one is equal to this is the first row this first column कितना आ गया -1 next 4 next -3 2 -8 6 1 -4 3 we get this. LHS is equal to RHS हो गया अब हो सकते हैं सॉल्व ठीक है आनु किसी को डाउट तो नहीं है बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये सिंपल क्वेश्चन था किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कि ठीक है जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है जल्दी से नोट कीजिए इसको फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोई आज असिस्टेंट ही नहीं कि फर्स्ट क्लास है लग रहा है मुझे वेपर्स इसको रब कर दें जल्दी से नोट कीजिए रब करते हैं इसको नेक्स्ट एक और डाउट है बच्चे का निल्सा का डाउट है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज 3.3 ठीक है टू पार्ट्स हैं कोई भी एक कर लेते हैं सिक्स में वो आपसे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट हम करते हैं ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
क्वेश्चन फिर टू पार्ट भी सेम है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, सेकंड आप कर सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिस वन, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, ये था आपको वेरीफाई करना है, दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। कैसे करेंगे, पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो ये है आपके पास, तो सो दिस बिकम द फर्स्ट कॉलम, सेकंड ये है तो दिस बिकम द सेकंड कॉलम, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज और ए फाइंड कर देना है, तो इसका मतलब cos alpha minus sin alpha cos alpha into A. A is what? Cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. ठीक, so multiply कर देते हैं, multiply कैसे होगा, first row first column, so this is cos square alpha plus sin square alpha. ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, नेक्स्ट इज साइन अल्फा, नेक्स्ट इज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos square, ठीक है, इसको रख कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज वन, ये कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, दिस इज जीरो एंड लास्ट दिस इज वन, ठीक। तो आपको ये प्रूव करना था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी, सिंपल था, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रब करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए उसको, ठीक है। कल हमने किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें किसी को डाउट नहीं था कल तक, आज पे स्टार्ट करते हैं उनके बेसिस पे थ्योरम, सो रखते हैं फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम वन, लेट ए बी अ, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज is a symmetric matrix, and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Chicken? हमारे पास है ए इज बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए माइनस ए ट्रांसपोज बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक हमने किया था, आप सबको पता है, अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं वी गेट द सेम मैट्रिक्स, तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं स्क्यू मिलता है, सॉरी नेगेटिव मिलता है, हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो थ्योरम है आपकी कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए अगर हमारे पास है सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, a ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम 1 2 एंड दिस बिकम 3 4, और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ये 5, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 8,
ठीक है. अब देखिए इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स. इसका अगर हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. ठीक, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया. किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर हम इस मैट्रिक्स का, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो हमें अगेन सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये वन हो गया. ठीक, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लेंगे. सो वी विल गेट जीरो, वन, माइनस वन एंड जीरो. ठीक, वेट ये ए माइनस ए ट्रांसपोज किया गया. इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स हम लेते हैं जीरो माइनस वन, वन एंड जीरो का ट्रांसपोज. तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, दिस इज जीरो माइनस वन एंड वन जीरो हो जाएगा आपका लाइक दिस. अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं है. डिफरेंस कहाँ रहे, नेगेटिव में. तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास जीरो माइनस वन, दिस इज वन एंड जीरो. नाउ दीज टू मैट्रिसेस आर सेम, क्या ये दोनों सेम है? अब ये दोनों सेम है बट यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, बाहर हमने नेगेटिव लिया. तो हम नेगेटिव ले रहे हैं इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. तो यही आपकी थ्योरम होती है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए. किसी को अगर डाउट है इसमें, इस थ्योरम में, तो प्लीज बताइए. ओके, रब करते हैं इसको. ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने कैसे फाइंड किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, वन माइनस वन जीरो आ गया, टू माइनस थ्री माइनस वन आ गया, थ्री माइनस टू वन आ गया, फोर माइनस फोर जीरो आ गया. ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आ गया हमारे पास. हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, वो ये आया हमारे पास. अब ये दोनों सेम नहीं थे ना, इन दोनों मैट्रिसेस में डिफरेंस कहाँ आ रहा था? अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं इस मैट्रिक्स में से, अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं देन वी गेट दिस जीरो माइनस वन वन जीरो. ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमने बाहर एक नेगेटिव लिया. ठीक, अब क्लियर हुआ? अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इस थ्योरम को फिर दोबारा हम चेक करेंगे, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे हम उसमें दोबारा चेक कर लेंगे, तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, इसको रब कर देते हैं एंड वी विल राइट नेक्स्ट थ्योरम. किसी ने अगर रब नोट नहीं किया तो प्लीज बता दीजिए. नेक्स्ट इज थ्योरम टू, क्वेश्चन थ्योरम रिलेटेड होता है. जी जी हाँ, थ्योरम रिलेटेड ही होता है. नेक्स्ट इज थ्योरम टू, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट as a sum of symmetric and as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay? Every square matrix can be represented as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, सेकंड थ्योरम ये है हमारे पास. बच्चे इन दोनों थ्योरम से एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है, नॉर्मली इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ जाता है. तो हम देखते हैं कि अभी हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में. प्लीज नोट कीजिए इस थ्योरम को, प्लीज नोट कीजिए, रब कर दें इसको, नोट के लिए सबने. इट्स राइट अ क्वेश्चन. Express the following as a sum of
as the sum of symmetric and expresses the following as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Three, five, one, max. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नॉर्मली आते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे तरह कीजिएगा। द क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिसेस जी टू का है, बट इसमें फर्स्ट थ्योरम भी यूज हो जाएगी। हम ठीक है, हमें करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स को लिखना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, स्टेप्स हमारे यही रहेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स ए है, लेट ए इज इक्वल टू दिस इज 3 5 1 and minus 1. A transpose kya ho jayega? This is first row, this becomes first column. This is second row, this becomes second column. ठीक है, हमें एक matrix given है, हमें A transpose find करना है, उसके बाद हमें let करना है that P is equal to 1/2 A plus A transpose. तो हमें matrices given था, हमने क्या किया, हमने उसका transpose find कर दिया। उसके बाद हमें एक P लेना है। हमारे इसमें जितने भी questions होंगे हम हमारे same step ही follow हो रहे हैं, तो questions tough नहीं है। हर question में same step follow होगा, सिर्फ calculation आपकी change हो जाएगी। तो बहुत simple questions हैं, बहुत ज्यादा scoring है। आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज आपने फाइंड किया, उसके बाद आपने पी लेट कर लिया, दैट पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ 1/2 क्यों लिया है वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज आप कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली कर दें, कितना आ जाएगा 6 6 6 एंड माइनस 2। अब ये 1/2 है तो 2 सारे एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 3 3 3 जी बिल्कुल सही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। अभी देखते हैं इसको, तो हमने पी जो है हमारा वो आ गया दिस। अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, बट ये हमें शो भी करना है, तो हम शो कर देते हैं पी, ये आ गया हमारा पी ट्रांसपोज, फाइंड कर देते हैं पी, ये है पी ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट column and second row becomes the second column, aur ye iska matlab ye p hi tha hamara, iska matlab p is a symmetric matrix। itna sabko clear ho gaya, हमें करना क्या, ट्रांसपोज फाइंड करना है, P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर P की जो भी वैल्यू आती है वो हमें शो कर देना है, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक ही होगा क्योंकि ये तो हमारी थ्योरम थी। ठीक है जोया, आपको डाउट है प्लीज देखिए, क्वेश्चन क्या था कि हमें एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिसेस को, इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी और आगे कंटिन्यू, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिख दिया है ना, हमारे फर्स्ट स्टेप इज हमने ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखा, फिर हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, फिर हमने लिखा लेट पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर हमने लिखा पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 3 = 6 हो गया, 5 + 1 = 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, -2, पर 2 आपको पता है हम मैट्रिसेस में अगर डिवाइड करें विद अ नंबर, तो मैट्रिसेस में आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब डिवाइड हो जाएंगे विद दैट नंबर। ठीक है, तो ये सब आपके डिवाइड हो गए, वी गेट दिस मैट्रिक्स। अब हमें बट शो करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम शो कैसे करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे, वी गेट द सेम मैट्रिक्स, हम कह देंगे पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जोया, इतना क्लियर है, जोया क्लियर हुआ आपको इतना?
ये समझ में आया आपको? शायद रिप्लाई नहीं आ रहा, बट हम मान के चलते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर, पी वाली इक्वेशन कैसे ली? अच्छा जोया, ये हमने अपनी तरफ से लिया, पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमने अपनी तरफ से लिए। क्वेश्चन के एंड में आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्यों ली, ठीक है? क्वेश्चन के एंड में समझ में आ जाएगा आपको कि आपने कैसे लिए। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं, हम लेट करते हैं फिर, पी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है? नेक्स्ट हम लेट कर रहे हैं, लेट पी इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमने पी लेट किया। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 और ये कितना आ जाएगा फिर, मैट्रिसेस क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया 0, 5 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 एंड माइनस 1 ये 0, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0, 2, माइनस 2 एंड 0, तो ये पी आ गया हमारे पास। अब हमें देखना है कि पी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, पी ट्रांसपोज देखिए, फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 0 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 0। अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक सेम है, क्या ये दोनों मैट्रिक सेम है, नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0 2 माइनस 2 एंड 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, पी। So, P transpose क्या आ गया, P transpose is what, minus, बिल्कुल ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence, ये तो P तो हम use कर चुके हैं sir, but sir, मैं तो two, हाँ, sorry, ये Q हम लेते हैं, P तो हमने use कर लिया, इसको हम Q लेते हैं, ठीक, sorry, P तो हम use कर चुके हैं, इसको हम Q ले लेते हैं, hence, Q is a Q is a skew symmetric matrix, ठीक है? तो हमने क्या किया, Q ले लिया, Q is a skew symmetric matrix, तो Q हमने शो कर दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक है एंड P इज अ सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं P प्लस Q क्या आता है हमारे पास, P क्या था हमारे पास, P इज व्हाट, 3 3 3 एंड माइनस 1 प्लस Q क्या आ गया हमारे पास, Q इज व्हाट, 0 2 माइनस 2 0, इसको ऐड कर देते हैं तो देखिए कितना आएगा ये P प्लस Q, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, this is 5, this is 1, this one is minus 1, देखिए 3 5 1 minus 1, ये मैट्रिक्स देखा है आपने पहले, क्या था ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ठीक? तो इसका मतलब P और Q को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगेन हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गया, तो इसका मतलब हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या कैसे लिख दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या देते हैं हेंस, ठीक है, ये ए है हमारा, हेंस ए कैन बी एक्सप्रेस, ए कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड and skew symmetric matrix, ठीक है? So A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric. देखिए ये A था, इसको हमने लिख दिया P plus Q. P क्या है? Symmetric है. Q क्या है? Skew symmetric है. Question यही था हमारा कि हमें matrices को express करना था as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, वो हमने कर दिया।
अब हमने स्टार्टिंग में 1/2 क्यों लिया था? अब शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा 1/2 हमने क्यों लिया था. ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझा देते हैं 1/2 क्यों लिया था. देखिए हमने p प्लस q किया है, तो p क्या है 1+A ट्रांसपोज, q क्या है 1/2 A-A ट्रांसपोज. ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, इसको ऐड कीजिए. देखिए 2 LCM है, A+A ट्रांसपोज प्लस A-A ट्रांसपोज, दिस पार्ट कैंसिल, सो वी गेट 2A/2 इज a. सो 2 हमने इसलिए लिया था क्योंकि फाइनली 2 कैंसिल हो जाए, अदरवाइज ट्वाइस आ जाता. एक्सप्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं. नज़र 1/2 वी कैन टेक ऑल क्वेश्चन. 1/2 मींस निर्जा 1/2 का मतलब क्या है? निर्जा आपका जो क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आया, 1/2 का मतलब क्या है? अभी ली हमने 1/2. अच्छा, वी कैन टेक ऑल क्वेश्चन. जी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको 1/2, तो आपके जो ये स्टेप्स हैं वो फिक्स हैं. क्वेश्चन कोई भी आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, स्टेप्स फिक्स रहेंगे. स्टेप आपका वही है, फर्स्ट ए ट्रांसपोज फाइंड किया, A+A ट्रांसपोज/2 किया, A-A ट्रांसपोज/2 कर दिया और शो ऐसे करना, स्क्वायर मैट्रिक्स करना. जी, हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. ये हमारी थ्योरम थी और ये हमारा क्वेश्चन. ठीक, चलिए इसको आप सबने नोट कर लिया है, देन ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको रब कर देते हैं. क्वेश्चन वही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सेकंड पार्ट इज A इज इक्वल टू 1, 5, -1, and 2. 1, 5, -1, and 2. Please just express. 1, 5, -1, and 2. Please keep this solve. Express कीजिए इसको as a sum of symmetric and skew symmetric. The steps exactly same rank from left. प्लीज इसको जल्दी कीजिए और जिनका हो जाएगा वो प्लीज बता दीजिएगा. मीन पी आ गया 1, 2. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, सेम स्टेप्स. ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए. नॉर्मली 4 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, और ऑर्डर 3 में कभी आता है. स्टेप सेम रहेंगे, ऑर्डर 2 आपको समझ में आ गया तो 3 में प्रॉब्लम. ठीक है, अमीन कीजिए उसको पे फर्दर. ठीक है निल्जा, P आ गया आपके पास. नाउ फाइंड Q फाइंड कीजिए. शाहीन का Q भी आ गया था. ओके, शाहीन फिर एक्सप्रेस कर दीजिए उसको एज अ सम. इफ्रा हो गया, बिल्कुल ठीक है. शाहीन एक्सप्रेस कर दीजिए उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, स्टेप्स यही होंगे जो हमने अभी किए थे.
ठीक है अमीन बिल्कुल ओके ठीक है सर निलजा पी ट्रांसपोज ठीक है निलजा नेक्स्ट क्यू फाइंड कीजिए ठीक है अमीन नेक्स्ट कीजिए फिर बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट कंप्लीट कीजिए इसको ठीक है हाँ ठीक है इतना सिमेट्रिक है नेक्स्ट कीजिए ठीक है अमीन गुड मोहित हुआ आपका मोहित सॉल्व हो गया जिगमेत हर्षद सैदा बिल्कुल ठीक है सैदा ठीक है अर्षद सैदा हुआ आपका मुझे अपने वीडियोस को प्लीज ऑफ करिए ठीक है निलजा कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ अभी कोई ऐसे स्टूडेंट है क्यू इज हाफ ऑफ ए माइनस थ्री इज इज क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल ठीक है अनु अब पी प्लस क्यू कर दीजिए देखिए वो आ रहा है यानी ए पी प्लस क्यू कर दीजिए देखिए ए आ रहा है यानी अच्छा कोई ऐसे स्टूडेंट शाहीन आ रहा है ठीक है शाहीन कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिनका वन मंथ के अंदर एग्जाम है कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिनके एग्जाम में वन ठीक है ओके तो अगर किसी के एग्जाम्स हैं तो पहले प्लीज बता दिएगा ताकि हम आगे क्लासेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें ठीक है हाँ सबका आई थिंक हो गया है तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक किसी को अगर डाउट है तो बता दीजिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ठीक इसमें से एक क्वेश्चन आता है फाइव मार्क्स का और वो कंपल्सरी कंफर्म क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आएगा ऑन दिस टॉपिक इनवर्स फाइंड करना होता है हमें बाय यूजिंग दिस ऑपरेशंस वो कंफर्म रहता है हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस आते हैं क्वेश्चन सिंपल होते हैं तो इस टॉपिक में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं ठीक फाइव मार्क का एक क्वेश्चन आए एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ये होते क्या है हमारे पास थ्री ऑपरेशन है थ्री ऑपरेशन हैं फॉर रोज और थ्री फॉर कॉलम्स सो सिक्स कह सकते हैं अगर रोज एंड कॉलम्स को आप ऐड करें अदरवाइज थ्री ऑपरेशन फर्स्ट इज इंटरचेंजिंग इंटर
changing of rows and column of a matrix. Okay. Interchanging of rows and column of a matrix. इसका मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारे पास सपोज ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, ठीक, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हम रोज या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2, ठीक है। हमने क्या किया, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, यानी फर्स्ट रो जो थी वो सेकेंड रो हो गई एंड सेकेंड रो बिकम द फर्स्ट रो, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज 1, 2, 3, 4। हाँ अनु, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी रोज को हम इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया R1 R2, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, R1 और R2 इंटरचेंज हो, इस सिंबल का मतलब है R1 और R2 इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ R1 क्या था 1, 2, R2 क्या था हमारा 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा, दिस 1, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 3, 4, ठीक है, क्लियर। वो हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, सर दोनों में से एक ही चेंज करना है इफ्रा, दोनों में से मतलब इफ्रा ये फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, अब जब ये फर्स्ट रो सेकंड में आएगी तो सेकंड फर्स्ट में चली जाएगी। अच्छा अच्छा रोज इन कॉलम में आप कह रहे हैं, इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो हम एक ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर रोज में अप्लाई करें तो रोज में, कॉलम्स में अप्लाई करें तो कॉलम्स, ठीक है। लेकिन ये मैं अभी आपसे बात करूं सिर्फ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स में हम इफ्रा दोबारा बात करेंगे इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है इफ्रा, ठीक जी। जोया का क्वेश्चन है, सर तीन रोज होंगे तो क्या होगा, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, रोज एंड कॉलम, अर्शद ये कह रहे हैं, नहीं अर्शद एक साथ नहीं करेंगे हम, रोज पे ये तो हम अप्लाई करेंगे, कॉलम पे मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। डिटरमिनेंट्स में हम दोबारा ऑपरेशन की बात करेंगे, ओके। जोया का क्वेश्चन था तीन होंगे, रो तीन होने का मतलब है कि 3x3 मैट्रिक्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. अब देखिए हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब वो हमारी चॉइस है, कंपल्सरी नहीं है, हमारी चॉइस है कि हम फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज करें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम द सेकंड रो, तो ये आ गया 1, 2, 3, सेकंड रो बिकम द फर्स्ट रो 4, 5, 6, थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया 7, 8, 9। अब हम इज इट नेसेसरी टू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट इनवर्स जो हम फाइंड करते हैं वो हमेशा इन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम इनवर्स के लिए फाइंड करेंगे तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, स्क्वायर ही होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में या तो हम अप्लाई करते हैं ये ऑपरेशंस, तो डिटरमिनेंट स्क्वायर का ही बनता है, या हम इनवर्स फाइंड करने के लिए करते हैं, तो इसीलिए दोनों स्क्वायर के लिए, ठीक है, स्क्वायर के लिए, राइट। नेक्स्ट हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं आर टू आर थ्री, अब हमने क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो फर्स्ट रो एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 7, 8, 9 एंड दिस इज 1, 2, 3। सर अगर वन रो एंड वन कॉलम होगा तो वही लिखता है, वन रो एंड वन कॉलम होगा तो वही रहेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो ये हमारा ऑपरेशन है जहां पे हम रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करेंगे, हम इसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, C1, C2, तो
तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम दिस बिकम 2 4, ये हो गया 1 3, ठीक है, फर्स्ट कॉलम बिकम द सेकंड कॉलम, ये आ गया हमारे पास 2 4, दिस इज 1 3. किसी को डाउट है इसमें ऑपरेशन समझ में? एक ही बार में 3 रो इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं शायद, एक ही बार में मतलब देखिए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसे अप्लाई करेंगे? आपने जब यहाँ किया तो आपका पहले R2 चेंज हुआ है, जब ये R2 चेंज हुआ है उसके बाद आपने उसको R3 के साथ चेंज किया, तो एक साथ हम तीनों रोज को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वन बाय वन करेंगे, ठीक है शाइन? और भी किसी का डाउट है इसमें? हम एक साथ 3 रोज को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, हम वन बाय वन करें, ठीक, इसको रब कर दें, नोट कर लिया सबने? अच्छा जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके ठीक है, इसको रब कर देते हैं, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो, ठीक, या सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ, सर ओरिजिनल वाले से हर बार इंटरचेंज नहीं करेंगे, जो ये जस्ट अ सेकेंड अभी देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय पास्ट, जो या ओरिजिनल से नहीं करेंगे, जब हमारे एक बार रो चेंज हो गया अब वो एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, तो जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स पे ही करना है, न्यू मैट्रिक्स पे, तो हर बार ओरिजिनल से नहीं करेंगे, एक बार ऑपरेशन अप्लाई किया वो मैट्रिक्स चेंज हो गया, तो जब अब ये न्यू मैट्रिक्स आया है उसमें आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे? और भी किसी को डाउट्स हैं तो प्लीज ऐसे ही डिस्कस करते रहिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट, एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव दिस 1 2 3 4, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट, अगर हमारे पास सपोज ये रो है R1, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज विद 2, उसको हम लिखते हैं ऐसे, हमने R1 को मल्टीप्लाई किया विद 2, और इस सिंबल का मतलब है कि ये स्टोर हो रहा है R1 में, प्लीज इसको अच्छी तरह देखिए, इस सिंबल का मतलब है कि ये स्टोर हो रहा है R1 में, और ऑपरेशन क्या अप्लाई किया है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 4, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट रो ये हो जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, और ये हो गया आपके पास R1, दिस इज 2R1, क्लियर हुआ सबको? ये ऑपरेशन क्लियर हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय कॉन्स्टेंट, तो हमने जैसे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, स्टोर कहाँ किया, R1 में। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ये न्यू मैट्रिक्स हो गया, इसमें अब हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, इसमें हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, दिस वन R2 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए R2, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, वैल्यू हमारी कहां स्टोर हो रही है, सेकंड रो में, इसका मतलब क्या है, वैल्यू कहां स्टोर हो रही है, सेकंड रो में, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 2 4, और सेकंड क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 and 12, ठीक है, ठीक है, अमीन आप कह रहे थे 3 3, अमीन मुझे समझ में नहीं आया 3 क्या था इसमें, ठीक है, ये एक न्यू मैट्रिक्स हो गई आपकी, तो हमेशा याद रखिए अगर वैल्यू स्टोर हो रही है यहाँ R2 है तो यहाँ भी R2 आना चाहिए, उसको आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट एग्जांपल में 3, जी 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 अमीन ये 3, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं R1 में और आप यहाँ कर रहे हैं 2R2, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है,
तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपने वैल्यू को स्टोर किया है आर वन में बट आपने सिक्स होगा सर, हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया है आर टू को, हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा नाइन, इसको इसको ये ट्वेल्व हो गया। आई मीन फर्स्ट में सिर्फ आर वन को मल्टीप्लाई किया था, आर टू को टच नहीं किया था, फर्स्ट में सिर्फ आर वन को मल्टीप्लाई किया था, आर टू को टच नहीं किया था, तो ये कितना हो गया टू टू फोर। यहाँ क्या किया, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइन ट्वेल्व आ गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये आर वन है और आप आर टू को मल्टीप्लाई करके आर वन में स्टोर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर वन में स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ आर वन होना चाहिए, आर टू में स्टोर कर रहे हैं यहाँ आर टू होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है? ओके, कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड एंड लास्ट रिपीट करते हैं। ओके, प्रॉपर्टी क्या है कि आर वन है अगर, तो आर वन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी नंबर, किसी भी रो या फिर कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आर वन को मल्टीप्लाई कर दिया विद टू, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स थी, यहाँ फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद टू, तो ये आ गया आपके पास टू फोर और ये हो गया आर वन स्टोर टू आर वन। सेकेंड ये आर टू था, हमने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि आर टू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद थ्री। अब सेम ऑपरेशन हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं सी वन फोर सी वन, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फोर ट्वेल्व टू फोर, ठीक है, फोर ट्वेल्व टू फोर, सो दिस इज द ऑपरेशन। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है बच्चे? अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो वो वहां क्लियर हो जाएगा, अभी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत अगर डाउट है आपको तो जब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तो वहां क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रब कर देते हैं, सबने रब नोट कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, या फिर कॉलम के लिए भी होती है प्रॉपर्टी, एनी रो और कॉलम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, एनी अदर रो, ठीक है, या फिर कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट। Addition of elements of any row or column to the corresponding elements of any other row column multiplied by a constant. देखिए, अब ये suppose हमारे पास एक matrix है, एक matrix है हमारे पास, example लेते हैं, this is one, this is two, this three, and this one is four. Suppose ये हमारे पास अगर कोई matrix है, तो हम अगर ये operation apply करते हैं, R1 plus 2R2. थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम किसी भी रो में नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और जो नेक्स्ट रो है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? ऑपरेशन है हमारा कि हमारे पास अगर कोई भी रो है तो उसमें नेक्स्ट रो को हम ऐड कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? आर वन में। ऑपरेशन के R1 में हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट रो को और इस नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अदर कॉन्स्टेंट। क्लियर हो? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगी थ्री फोर, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, वन प्लस टू इंटू दिस सिक्स प्लस वन सेवन, टू प्लस टू इंटू फोर एट प्लस टू
10. ये आपका ऑपरेशन है कि आप किसी भी रो में नेक्स्ट रो को ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी कॉन्स्टेंट. बट हमेशा याद रखिएगा, अगर आप R1 में स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ R1 रहेगा, यहाँ कोई नंबर नहीं आना चाहिए. अगर आप R1 में स्टोर कर रहे हैं तो प्लीज याद रखिए कि यहाँ सिर्फ R1 रहेगा, यहाँ कोई नंबर नहीं आएगा. ठीक, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है, और डिटर्मिनेंट्स में अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि यहाँ कोई कॉन्स्टेंट आ गया तो डिटर्मिनेंट गलत हो जाता है. मैट्रिसेस में तो फिर भी ठीक होता है, आपको बताएंगे क्वेश्चंस में, मैट्रिसेस में ठीक होता है. बट आदत बनाइए कि यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपको मिस्टेक ना करें. जी जोया, दोबारा रिपीट कर देते हैं. हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि हम R1 में नेक्स्ट रो को हम ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट रो को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमारा ऑपरेशन है कि हम किसी भी रो में नेक्स्ट रो को ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी कॉन्स्टेंट. एक और एग्जाम्पल, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया. ठीक, यहाँ एक और लेते हैं, R2 ले लेते हैं. चलिए R2 है तो ये R2 आना चाहिए प्लस स्ट्राइस ऑफ R1 कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, हम सिर्फ इसमें अप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1, 2, क्योंकि हमने स्टोर कहाँ किया R2 में. अब ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 R1, 3 + 3 कितना हो गया 6, 4 + 2 × 3 कितना हो गया 6 + 4. हाँ, अभी देखते हैं कॉलम एग्जांपल. जोया, ये क्लियर हुआ आपको? जोया, क्लियर हुआ आपको? ओके, ठीक है. अब एक कॉलम का एग्जांपल भी ले लेते हैं. ठीक है, कॉलम का क्या हो सकता है, C1 + 4C2. ठीक, ओरिजिनल में हम पुट कर रहे हैं सारे ये ऑपरेशंस. तो क्या होगा, C2 तो सेम रहेगा, C2 में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, C1 में चेंज किया. C1 में चेंज क्या किया है, C1 + 4C2, यानी इसको नेक्स्ट कॉलम में ऐड किया है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 + 4 × 2 = 8, 9 हो गया. 3 + 4 × 16 + 3 = 19 हो गया. सो 9 × 2 = 19, 4. ये हमारा ऑपरेशन था एंड वी गेट दिस. क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट है इन 3 ऑपरेशंस में? कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है इन 3 ऑपरेशंस में? सिर्फ सिंपली 3 ऑपरेशंस है. फर्स्ट क्या है, इंटरचेंज करना. सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई करना. थर्ड क्या है, नेक्स्ट रो में ऐड कर देना और नेक्स्ट रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक और बच्चे को डाउट है, दोबारा देखिए. हमारी प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी रो में नेक्स्ट रो को ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी कॉन्स्टेंट. तो ये जैसे R1 है, इसमें हमने नेक्स्ट इस रो को ऐड कर दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 2. तो देखिए यहाँ पे ये 1 था. हम यहाँ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस नहीं है क्या मोहित? बहुत बड़ा डिफरेंस है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में, बहुत डिफरेंस है. हम डिटर्मिनेंट्स में फिर यही बातें करेंगे दोबारा. ठीक है, तो अभी बस फोकस कीजिए मैट्रिक्स के ऊपर. ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिसेस है वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है. ठीक है, ये चेंज हो जाती है. देखिए, हमने जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया है तो क्या होगा, R1 पहला एलिमेंट लेते हैं, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 + ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + 3 × 2 कितना हो गया, 6 × 7 हो गया. तो यहाँ कितना आ गया, 7. ठीक है, तो यह 7 आ गया. और किसी को डाउट है इसमें? प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस में, सेम डिटरमिनेंट्स में, ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई चाहिए. तो हम कैसे भी चेंज करने पे रूट्स की क्या जरूरत, तो हम कैसे, ओके शाहीन आपको मुझे क्वेश्चन के लिए नहीं हुआ, तो हम कैसे भी चेंज कर दें फिर रूट्स की क्या जरूरत, मतलब ओके शहीन आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, सॉरी. शहीन दोबारा आप प्लीज टाइप कर सकते हैं, क्या कह रही हूँ? मैट्रिसेस तो चेंज होने हैं, फिर रूल्स अप्लाई करने की क्या जरूरत, कौन से रूल्स, ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी,
कौन से रूल्स की आप बात कर रही हैं? जो हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई किए, ओके, तो मुझे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके ही तो मैट्रिसेस में चेंज आ रहा है। हम ये जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 2x = 14, ऐसा तो डिटरमिनेंट में करते हैं ना सर। मोहित वन बाय वन अभी देखते हैं। शाइन देखिए 2x = 14, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इक्वेशन में कोई चेंज हुआ? नहीं। तो हम ये जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आगे अभी, तो वो लेफ्ट साइड भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, राइट साइड भी सेम ऑपरेशन, ठीक है? हाँ मोहित आप कह रहे हैं ऐसा तो डिटरमिनेंट में करते हैं। हाँ डिटरमिनेंट में भी ऐसा करते हैं, मैंने कहा ना कि ये प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में यूज होंगे, तो मैं आपको फिर दोबारा बताएंगे। तो अभी सिर्फ मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये 3 प्रॉपर्टीज को याद रखना है। फर्स्ट क्या था? इंटरचेंज, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन, थर्ड एडिशन, ठीक। अब देखिए किसी को डाउट है इसमें? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, 3, 4, 6 and 7, 8, 9, ठीक। हमने अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है R2 इंटरचेंज विद R3, R2 इंटरचेंज विद R3, तो प्लीज मुझे बताइए अब क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं R2 इंटरचेंज विद R3, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज। फर्स्ट रो में तो ओके, हां ना, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, हमने जो अभी ऑपरेशंस लिखे थे, अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, अब हम उन ऑपरेशंस जी ठीक है उसको अप्लाई कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या आंसर आते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, हमने ऑपरेशन अप्लाई किया 1, 2, 3, बिल्कुल ठीक है इफ्रा, दिस इज 7, 8, 9 एंड दिस इज 3, 4, 6, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। दिस इज द आंसर कि जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया वी गेट दिस। चलिए अब मुझे बताइए C1 इंटरचेंज ओरिजिनल में कर रहे हैं, ठीक है ओरिजिनल में कर रहे हैं C1 इंटरचेंज विद C2, और सब भी प्लीज कीजिए। फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कीजिए R2 इंटरचेंज विद R3 और ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऑपरेशन अप्लाई कीजिए C1 इंटरचेंज विद C2। ओके इसमें आप देखिए सबसे निल्सा का आंसर है सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है निल्सा। नेक्स्ट ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए C1 C2, देखिए क्या आना चाहिए। C1 C2 अप्लाई कीजिए, देखिए क्या आना चाहिए। जोया बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। फर्स्ट रो बिकम द सेकंड, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 2, 4, 8, 1, 3, 7 एंड 3, 6, 9, बिल्कुल ठीक है जिगमेत, ठीक है बिल्कुल। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको डाउट है इसमें? कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है इसमें? कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट है? ठीक है अब नेक्स्ट अप्लाई दिस, सबमिट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सोया आपका भी आंसर। नेक्स्ट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, by the C2 interchange with C3, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है हम उसी में अप्लाई कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपका हम उसी में अप्लाई कर रहे हैं C2 इंटरचेंज विद C3, प्लीज बताइए आंसर क्या हो जाएगा? C2 इंटरचेंज विद C3, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम रिमेन एज इट इज 1, 3, 7, दिस रिमेन एज इट इज, ये हो जाएगा 3, 6, 9 एंड दिस बिकम 2, 4, 8, ठीक है ये हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 2, 4, 8 एंड दिस, बिल्कुल ठीक। सो ये ऑपरेशन सबको क्लियर हो गया है, किसी को डाउट नहीं है,
बिल्कुल ठीक है जिगमेत, निलसा, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑपरेशन पे आता है। सेकंड ऑपरेशन क्या था हमारा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ कांस्टेंट। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 6 1 3 1 4 5 2 6 ठीक, ये हमारी मैट्रिसेस है। हमारे नेक्स्ट था तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज आर वन मल्टीप्लाई विद 4 R1। अगर हमारे पास मैट्रिसेस ये है, हम आर वन में प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज बताइए मैट्रिसेस क्या हो जाएगी। देखिए सेकेंड एंड थर्ड सेम रहेगा, सेकेंड एंड थर्ड में तो कोई चेंज नहीं आया, 3 1 4 प्लस 5 2 6, सेकेंड थर्ड में तो कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट रो शिफ्ट कर रहे हैं, हो जाएगा ये 16 24 एंड 4। बिल्कुल ठीक, सबका यही आंसर है। बिल्कुल ठीक है शाहीन, निलजा, जिगमेत, जोया, सबके आंसर करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी सबको समझ में आ गई होगी। सेम प्रॉपर्टी हम कॉलम में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं पहले। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं C2 3C2। बिल्कुल ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं C2 3C2। सिर्फ सेकंड कॉलम लिख दिए, देखिए सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम रिमेन एज इट इज 4 3 5, थर्ड कॉलम रिमेन एज इट इज 1 4 6, सो जो भी चेंजेस आपके होंगे दैट विल बी इन द सेकंड कॉलम। तो इफ्रा कह रही है ये हो गया 9 हो जाएगा, इफ्रा थोड़ा सा करेक्शन है, नहीं शाहीन का है ये 18 3 एंड 6। ठीक है इफ्रा, ये था 18 3 6, देखिए आपने क्या लिख दिया, और सबका ठीक है जी, इट्स ओके इफ्रा, अमीन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 18 3 एंड 6 बिल्कुल ठीक। चलिए इट्स मीन ये प्रॉपर्टी भी सबको क्लियर हो गई है। तो एक इसमें आप और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आप इसमें एक ऑपरेशन और अप्लाई करेंगे, ट्राई दिस ऑपरेशन R3 प्लस 2R, सॉरी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 5R3, देखिए क्या है। अर्शद का आंसर है 25 10 एंड 30, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी 3 1 4, उसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 10 एंड 30, सो दिस इज द आंसर 25 10 एंड 30। बिल्कुल ठीक है शाहीन, इफ्रा ठीक है, निलजा आपका भी ठीक है, चैन आपका आंसर भी ठीक है, सो दिस इज आंसर। सो इट्स मीन सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स 1 2 1 4 1 3 and 5 2 1। प्रॉपर्टी है आपके पास R1 R1 plus 2 R2। तो देखिए यहाँ जो चेंज होंगे वो सिर्फ फर्स्ट रो में होंगे, तो सेकेंड एंड थर्ड रो रिमेन एज इट इज। तो मुझे बताइए फर्स्ट रो में आपका क्या चेंज हो जाएगा, ओनली टेल मी अबाउट द फर्स्ट रो।
बताइए फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, 947 हो जाएगी, 2489 बिल्कुल ठीक है, 47 सबसे पहले शाहीन का आंसर ठीक है, हर्षर ठीक है, मॉटप ठीक है, और सब के आंसर्स अमीन, इफ्रा, सहदास, सोएदा और चिकमेट ठीक है, मोहित, निल्जा, सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर, निल्जा और बिल्कुल ठीक है, ट्राई नेक्स्ट ठीक है, स्वरअप कर देते हैं, सबके आंसर्स आ गए हैं, स्वरअप कर देते हैं, अगेन वही ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 प्लस ठीक है निल्जा, R3 प्लस 3R2 R3 प्लस 3R2 तो क्या होगा, फर्स्ट रो रिमेन एज इट इज 1 2 1 4 1 3 अप्लाई द ऑपरेशन R3 प्लस 3R2 ओके तो ये है 5 प्लस 3R2 सो 5 प्लस 12 17 तो 2 प्लus 3 5 and 1 plus 9 10 तो 17 5 and 10 दिस आंसर बिल्कुल ठीक है आंसर और सबके आंसर्स प्लीज चेक कीजिए थर्ड रो सबकी यही है 17 5 and 10 शाहीन ठीक है और सब अमीन इफ्रा ठीक सोएदा सैदा आपका आंसर मोहित जिगमेत ठीक है मॉडल आपका आंसर जोया आपके आंसर ठीक है सैदा आपका आंसर मिर्जा ठीक अमीन ठीक है जोया आंसर आपका जोया आपका आंसर क्या होगा ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स आ गए हैं सो ये आपके 3 ऑपरेशन हैं इनको आपको अच्छी तरह याद रखना है इनके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास ठीक है इनवर्स हम फाइंड करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैंने बताया था 5 मार्क का एक क्वेश्चन आना ही है 100% हर साल एक क्वेश्चन आता है 5 पहले 6 मार्क में था 5 मार्क में ठीक है सो प्लीज नोट कीजिए होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट के बाद मिसलेनियस आई थिंक कल मिसलेनियस कंप्लीट दी थी हाउ टू डाउनलोड असाइनमेंट मोटा बस अभी मैं बताता हूँ कैसे असाइनमेंट डाउनलोड करें एक्सरसाइज 3.3 प्लस मिसलेनियस ठीक है ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 प्लस मिसलेनियस तो ये आपका होमवर्क है इसको करना है मिसलेनियस सबने आई थिंक ट्राई नहीं की थी कल है ना उसमें किसी का भी डाउट नहीं आया है जबकि मिसलेनियस में बहुत डाउट्स आएंगे आप लोगों के तो नेक्स्ट वीक तक प्लीज मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए और असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है अभी बस बताते हैं ठीक है अभी जाइएगा नहीं अभी आपको बताते हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकअप चाहिए जिनके पीछे क्लासेस मिस हुई हैं मैट्रिसेस जिनका मिस हुआ है स्टार्टिंग में कोई है ऐसे स्टूडेंट जिनका मैट्रिसेस मिस हुआ है उनके असाइनमेंट्स हो चुके हैं असाइनमेंट्स अभी दे रहे हैं असाइनमेंट्स में क्या है एनसीईआरटी तो आप कर लेते हैं बट उसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं वो क्वेश्चंस बच्चे शाहीन फर्स्ट मिस हुई है ठीक है मैं आपको इन्फॉर्म करवा देंगे ठीक है प्लीज वीडियो ऑफ रखिए प्लीज ठीक है असाइनमेंट्स में एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं शुक्रिया अच्छा चैन आपकी भी मिस हुई है ठीक है शाहीन है चैन है जोया है ठीक है आप सबको इन्फॉर्म करेंगे बैकअप के लिए अभी प्लीज जाइएगा नहीं असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करने हैं वो बताते हैं बस अभी आते हैं ठीक हानू रिकॉर्ड वीडियो बात करनी होगी ठीक बताता हूं अभी प्लीज मैं जाइए अभी बताते हैं असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें
सॉरी स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ असाइनमेंट्स कैसे डाउनलोड करें. आई थिंक फिजिक्स क्लास में या तो फिर बता देंगे. ठीक है, तो अभी आप लोग एनसीईआरटी कीजिए प्लस मिसलेनियस. मिसलेनियस में थोड़े से टफ क्वेश्चन है, उसको प्लीज कीजिए, उसके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे. अमीन, नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर नहीं होगा, इनवर्स स्टार्ट होगा मैट्रिसेस का. इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पहले इनवर्स करेंगे, दैट इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा. तो अमीन एग्जाम तो नहीं है अभी, निल्जा फिजिक्स आई थिंक हो चुकी होगी, आई डोंट नो. ठीक है, आपके पास नंबर होगा आई थिंक, व्हाट्सएप नंबर निल्जा, उस पर आप पता कीजिएगा. अमीन एग्जाम तो नहीं है. ओके, और कोई स्टूडेंट है जिनका इस मंथ एग्जाम है ताकि उनके फिर क्लासेस को अरेंज करें एक्स्ट्रा क्लास को मैथ्स के लिए? कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिनका इस मंथ एग्जाम है? ओके, फिजिक्स हो चुकी है. ठीक है, फिर तो बहुत टाइम है. ठीक है,